हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वैभवी। वेलकम माय यूट्यूब चैनल वैभवी फैशन स्टाइल ब्यूटी टिप्स एंड क्रिएटिविटी। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और ये मेरा फर्स्ट चैनल है, तो आपके मुझे फुल सपोर्ट की और प्यार की ज़रूरत है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम फ्रूट फेशियल करने वाले हैं, उसमें हम पपीता ले रहे हैं। तो पपीता जो है हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें विटामिन ए है और हमारे स्किन को ये नरिशिंग रखता है, ग्लोइंग बनाता है। तो इसके और बेनिफिट है क्या है हम आगे जाके बताएंगे। तो इसमें टोटल 5 स्टेप्स है। फर्स्ट है टोनर, सेकेंड है क्लिंजिंग, थर्ड है स्क्रब, फोर्थ है मसाज एंड फिफ्थ है मास्क। तो आज हम ये सब प्रोसेस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो कहीं जाए वीडियो को स्किप मत कीजिए और वीडियो से टाई अप कर देंगे ताकि हमारे बाल जो है ख़राब ना हो। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट स्टेप है टोनर। टोनर में मैं गुलाब जल यूज़ कर रही हूँ। गुलाब जल को कॉटन में ले लेंगे और फेस अच्छे से क्लीन कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे फेस के जो पोजेस है वो खुल जाएंगे और हमारी जो स्किन है वो हाइड्रेट रहेंगी और रिफ्रेशिंग हो जाएंगी हमारी स्किन। हमारा सेकेंड स्टेप है क्लिंजिंग। क्लिंजिंग में हम ले रहे हैं मलाई, आप रॉ मिल्क भी ले सकते हो, दोनों के बेनिफिट एक जैसी है। हम पपीता ले रहे हैं, मिक्सी में मैंने बारीक कर लिया था इसको। दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम अभी 3 से 4 मिनट अच्छे से हम फेस की मसाज करेंगे। हमको 3 से 4 मिनट कंटिन्यूसली अच्छे से स्टेप बाय स्टेप मसाज करना है। पपीता जो है हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, ब्राइटनिंग बनाएगा, एक्ने प्रॉब्लम से दूर रखेगा और हाइड्रेट रखेगा हमारे स्किन को। मलाई जो है हमारी स्किन को सॉफ्ट रखेगा, स्मूथ रखेगा। लैक्टिक एसिड होने के कारण ये जो है हमारी स्किन एक्सप्लोइट होगी हमारी स्किन। तो अच्छे से हमें मसाज कर लेना है। मसाज होने के बाद 3 से 4 मिनट के बाद हम नैपकिन जो है पानी में गीला करके हम अपनी स्किन पोंछ लेंगे। आप धो भी सकते हो अपने फेस को। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्क्रब। थर्ड जो स्टेप है स्क्रब है। स्क्रब में मैंने ली हूँ चावल का आटा जो कि दरदरा पिसा हुआ है। 1 टेबल स्पून चावल का आटा लेंगे और लेमन लेंगे। लेमन जो है विटामिन सी से भरपूर मात्रा में भरा हुआ है। वह लेमन लेंगे, 1 टेबल स्पून पपीता का पेस्ट लेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे और जेंटली हम अपने फेस को स्क्रबिंग करेंगे 3 से 4 मिनट तक कंटिन्यूसली। जो लेमन है वो हमारे स्किन को ब्राइटनिंग करता है, ब्लीचिंग देता है और विटामिन सी के कारण हमारी स्किन जो है वो ग्लोइंग दिखती है, हाईलाइट करती है। और जो राइस है वो भी हमारे स्किन को वाइटनिंग में बहुत हेल्प करता है। एक्ने प्रॉब्लम के लिए भी वो राइस जो है बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है। तो आप ये फेशियल ज़रूर करके देखिए, आपको बेनिफिट्स और रिजल्ट है वो ज़रूर मिलेंगे। अब हम पोंछ लेंगे अपने फेस को। हमारा फोर्थ स्टेप है मसाजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले हमने लिया है पपीता का पेस्ट और सेकेंड हम लेंगे एलोवेरा। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने एलोवेरा जेल लिया है पतंजलि का, आप कोई भी ले सकते हो। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें कम से कम 10 से 15 मिनट हमको अच्छे से मसाज करना है स्टेप बाय स्टेप। आप देख सकते हो इस तरीके से हमको स्टेप बाय स्टेप 10 या 15 मिनट तक मसाज करनी है। एलोवेरा जो है ये विटामिन ए और विटामिन सी बहुत ज़्यादा है इसमें। बर्न, एक्ने प्रॉब्लम और हाइड्रेट रखने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप ओवरऑल देख सकते हो कि जिनको एक्ने प्रॉब्लम है ये फेशियल आप ज़रूर कीजिए और ये स्किन को ब्राइटनिंग बनाएगा। आप देख सकते हो इस तरीके से हमको मसाज करनी है। वीडियो आपको सच में अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अभी कर दीजिए। ऐसे ही मैं न्यू वीडियोस आपके सामने लेके आते जाऊंगी।
आप देख सकते हो कंटिन्यूसली मैं मसाज कर रही हूँ। 10 से 15 मिनट हमको कंटिन्यूसली मसाज करना ही है, तभी हमारे फेस पे रिजल्ट दिखेगा। अब हम नैपकिन से 10 मिनट होने के बाद नैपकिन से हम अच्छे से पोंछ लेंगे या धो लेंगे हम अपने फेस को। फिफ्थ स्टेप है मास्क। मास्क में हम लेंगे राइस फ्लावर, ये फाइन पाउडर है, देन हनी, 1 टेबल स्पून हनी हम ले लेंगे एक बाउल में, और राइस फ्लावर ले लेंगे 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून ले लेंगे अराउंड। फिर हम गुलाब जल लेंगे 1 टेबल स्पून गुलाब जल एंड 1 टेबल स्पून पतंजलि का एलोवेरा जेल। इन चारों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है, अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। ये हमारा मास्क तैयार हो गया है। अभी हम अपने चेहरे को लगा देंगे इसको। आप देख सकते हो कुछ स्टेप में ही हमारी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। आप गाइस ये फेशियल एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको रिज़ल्ट इसका ज़रूर देखने को मिलेगा। और वैसे भी अभी दिवाली पास आ रही है तो आप ये फेशियल ज़रूर ट्राई कीजिए। आफ्टर 15 मिनट तक रखना है, उसके बाद हम 15 मिनट के बाद इसको गीले कपड़े से या पोंछ लेंगे या फिर आप धो भी सकते हो। फिर हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करेंगे। मैं काया की क्रीम यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और अच्छे से अपनी स्किन को मसाज कीजिए, करीबन 2 मिनट तक अपनी स्किन को मसाज कीजिए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, एक बार आप ट्राई करके देखिए। वीकली एक बार आपने अगर ये फेशियल किया तो आपकी स्किन आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ग्लो कर रही है। तो आप एक बार ये फेशियल ट्राई ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू एंड बाय।